अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश तबी और खुश रहना, हंसना मुस्कुराना एक फितरी अमल है। इंसान चाहता है कि उसकी तबीयत में एक मज़ा और खुशी वाली एक जो कैफियत है वो मौजूद रहे, वो मुस्कुराता रहे, वो हंसता रहे, वो सुकून महसूस करे। लेकिन हमारे यहाँ मुझे महसूस होता है कि एक जो चीज़ समझी जाती है, एक फ़िक्र हमारे यहाँ पाई जाती है कि जब मज़हबी शख्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक फ़िक्र ये है कि मज़हबी शख्स बहुत ज़्यादा संजीदा हो, वो एक ख़ास किस्म का उसका गेटअप हो, ख़ास किस्म के अल्फाज बोले, जब वो हंसे तो एक ख़ास तरह से हंसे और वो जब बात करे तो ख़ास तरह से बात करे। मुझे लगता है कि ये हमारे यहाँ एक फ़िक्र पाई जाती है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम लोगों को परसीव करते हैं, लोगों की शख्सियत के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। इस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं आज हफ्ता अमानत रसूल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, जैसे मैंने बात की है कि एक जो मज़हबी शख्स है ख़ास तौर पे, अगर उसने मज़हब नहीं भी पढ़ा हुआ तो जिसने दाढ़ी रखी है, जिसके सर पे टोपी है, तो उसके बारे में कोई भी शख्स देख के तो फौरन ये अंदाज़ा लगाता है कि इसको ना तो हंसना चाहिए, ना इसको खुश होना चाहिए, ना इसका कोई ड्रेस उस तरह का होना चाहिए, बड़ा सादा सिंपल ड्रेस पहने हैं, ठीक है, कोई जो है ना वो कोई शूज़ उस तरह के, कोई कपड़े उस तरह के ना पहने, इसी तरह वो बहुत ज़्यादा लोगों में बातूनी ना हो, बात ना करे, बस संजीदा खामोश सादा हो, ये एक जो रवैया हमारे यहाँ ये सोच पाई जाती है, क्या वजह है इसकी? देखिए, एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ जब भी मज़हब पर बात की जाती है या अहले मज़हब पर बात की जाती है, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम हो, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद फिर उनके सहाबा हो और फिर ताबईन तबा ताबईन बुज़ुर्गों का ज़िक्र हो, अक्सर तौर पर हमारे यहाँ इसी तरह की ही तस्वीर कशी की जाती है। यानी उनकी ज़िंदगी का एक पहलू जो खुदा खौफी पर मबनी होता है उसको बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है और उनकी ज़िंदगी के जो बाकी पहलू होते हैं कि उन्होंने शादियाँ भी की होती हैं, वो कभी गुस्से में भी आते हैं और हंसते भी हैं, मज़ाक भी करते हैं, वो जो पहलू होते हैं वो असल उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, उनको बयान नहीं किया जाता हमारे यहाँ, जिस वजह से फिर मज़हबी आदमी का जो तसव्वुर बनता है वो फिर इसी तरह का ही तसव्वुर कायम होता है, जिसका नक्शा बहुत अच्छे तरीके से आपने खींचा है कि जिस तरीके का फिर मज़हबी आदमी का तसव्वुर हमारे सामने आता है वो यही होता है कि भाई ना कपड़े उसके अच्छे हों और चेहरे पर भी हर वक्त एक मातम किसी कैफियत उसके नज़र आए और आँखें भी ऐसी हों कि जैसे सारी रात जागता रहा और इबादत में उसने गुजारी, सोया भी नहीं बिल्कुल, और खाने पीने में भी उसकी सेहत से ही पता चल जाए कि ये तो खाता पीता, वो कोई मजाक भी ना करे, कोई लतीफा भी ना सुने, बल्कि अगर कोई उसके साथ मजाक करे तो उसको डांट दे, चुप करा दे और उसको कोई दो चार बातें खुदा खौफी की सुना दे। असल ये है कि ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हमारी जमातों ने, हमारे आप कह लीजिए उलमा ने, और बहुत ज़्यादा जिनका रुझान अगर है जोहद की तरफ, तकवा की तरफ, परहेजगारी की तरफ, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फिर माशरे में बयान किया, लोगों को सुनाया, जिसकी वजह से लोगों में फिर एक इमेज जो बना मज़हबी आदमी का वो इसी तरह का ही बनता नज़र आता है। लेकिन ये देखिए कि दुनिया में भी उलमा रहते हैं, मसाजिद के खुतबा भी हैं, आइमा भी हैं, यानी आलम इस्लाम है या यूरोप आप चले जाएँ तो वहाँ पर यह तसव्वुर एक मज़हबी आदमी का, मौलवी का आप कह लीजिए, वो इस तरह का तसव्वुर नहीं है। उसकी एक ख़ास वजह है जो हमारे माशरे में मौजूद है कि हमने चूँकि मौलवी को हमने या मज़हबी आदमी जिसके बारे में हम सोचते हैं उसको हमने नऊज़ बिल्ला कमी कमीन जैसे हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, हमने उससे ज़्यादा स्टेटस हमने नहीं दिया। सही है। हालांकि दुनिया में ये होता है कि बड़ी बड़ी जो मसाजिद हैं यानी मोहल्ले की मस्जिदें भी हों वहाँ पर भी इमाम और ख़तीब डॉक्टर होते हैं, लामा होते हैं और बड़े डिग्री होल्डर्स होते हैं। सही है। जो मस्जिदों के इमाम होते हैं और ख़तीब होते हैं और उनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें होती हैं और आलीशान उनके घर होते हैं, अच्छा उनका रहन सहन, और बड़ी महंगी गाड़ी पर वो नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं, जुमा पढ़ाने के लिए आते हैं। तो कुछ ये चीज़ें भी हैं, एक माशी बैकग्राउंड और पस मंज़र भी है कि जिसकी बुनियाद पर हमारे जहन में जो मज़हबी आदमी का तसव्वुर है वो इसी तरह का बन गया। और मज़हब को हम जब ज़्यादा गुलूफ के साथ बयान करेंगे, एग्जेजरेशन करेंगे उस मामले में, तो फिर ये तसव्वुरात माशरे में फिर जड़ पकड़े चले जाते हैं जो
जिन पे आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़कर भला कोई मजहबी हो सकता है और मुबल्लिग़ हो सकता है, दाई हो सकता है? आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सब कुछ मौजूद है। लेकिन ये बात याद रखिए कि एक तो मैंने वो आपको बात बयान की कि हम एक शख्सियत के एक पहलू को बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि एतदाल ये बड़ा ज़रूरी है। यानी आप अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देख लीजिए, बाद में आने वाले सुलहा की ज़िंदगी देख लीजिए, एतदाल और एक तवाज़ुन आपको उनकी ज़िंदगी में नज़र आता है। यानी सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के बारे में है कि वो दिन को मजाक करते थे लेकिन रात को अल्लाह की इबादत भी करते थे, सोते भी थे, शादियां भी उन्होंने की थी, वो खेलते भी थे, यानी कुश्ती लड़ना है, स्विमिंग है, नेज़ाबाजी है, ये भी सारे काम वो करते थे और एक दूसरे के साथ खुलकर मजाक भी करते थे। हाँ, जहाँ ये बात होती है ना कि हंसना एक तरीका ये होता है कि इंसान की शख्सियत के ख़िलाफ़ है। एक शख्स कह के इतनी ऊंची आवाज़ से लगाता है और मुंह खोल लेता है, अब ये वाज़े बात है कि ये किसी भी माशरे में और किसी भी माहौल में इंसान होगा तो बुरा महसूस किया जाएगा, पसंद नहीं किया जाए, बुरा महसूस किया जाए या एक नामनासिब ये तरीका होता है इसको समझा जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब हम एतदाल से हम निकल जाते हैं ना तो फिर ये सूरत हाल पैदा होती है। तो हमें चाहिए कि हम एतदाल के साथ रहें और जो फितरी तकाजे इंसान के होते हैं उनको हमेशा इंसान पेश नज़र रखें। हमारे यहाँ मुख्तलिफ अकवाल और जो जैसे आपने इस पर बात थोड़ी सी पहले की है, मैं चाहता हूँ कुछ थोड़ा मज़ीद आप वजाहत कर दें। हमारे यहाँ मुख्तलिफ अकवाल और मुख्तलिफ तारीखी रिवायात मिलती हैं जिसमें कहा जाता है कि हंसने से दिल सख्त हो जाता है और जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक भी कुछ ऐसी हमारे सामने रिवायात बयान की जाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हंसते थे तो कभी आपके दांत नज़र नहीं आए थे। ये तो क्या इनकी क्या हैसियत है? ये रिवायात बिल्कुल ठीक हैं? और अगर ये बिल्कुल ठीक हैं तो फिर तो बाकी जो मजहबी तसव्वुर हमारे सामने रखा जाता है वो तो बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते थे, हाँ, कभी आप कहका ऊंची आवाज़ से वो आपने नहीं कभी किया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ये सुन्नत है, ये अंदाज़ है, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है। सही, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, फ़र्ज़ दूसरी चीज़ है। आप अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है और आपकी जो ज़ात अक़दस है, आप हादी हैं, आप रहनुमा हैं, राहबर हैं। आप जो राहबर और रहनुमा होता है उसका एक अपना तरीका होता है, उसके शख्सियत में एक संजीदगी होती है, एक मतानत होती है, एक वक़ार होता है। ये चीज़ें कि जो वक़ार के ख़िलाफ़ हों, संजीदगी और मतानत के ख़िलाफ़ हों, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उससे परहेज़ किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते नहीं थे। आप हंसते थे, आप मुस्कुराते थे, सहाबा के साथ मजाक करते थे, गुफ्तगू करते थे। आप अपने घर में जाकर अपने अजवाज के साथ भी बात करना, उनके साथ भी हंसी मजाक करना, उनके साथ भी गुफ्तगू करना, अहादीस में ये भी मौजूद है। असल बात वही है कि हम एक पहलू को लेते हैं। अच्छा, फिर इन बातों को जो बयान करने का मकसद अगर होता है, उलमा बयान करते हैं, एक पहलू इसका इसलिए भी होता है कि ताकि लोग इस तरफ मुतवज्जे हों। जब माशरे में गफलत बढ़ जाती है, लोग गाफिल हो जाते हैं, दुनिया में इतना मस्त हो जाते हैं कि उनको ना नमाजों का होश होता है, ना उनको तहज्जुद का कोई रग़बत होती है, ना उनको कुरान से कोई मोहब्बत होती है, ना कोई इस तरह कोई उनका ताल्लुक होता है, फिर उनको ये बातें बयान की जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि एक लिहाज से ये, यानी एक तो होती है ना कि जो आप लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं, एक इंतज़ार का भी तरीका होता है ना, आप लोगों को अंजाम से डराते हैं, बताते हैं, तो ये बातें फिर उसमें शुमार होती हैं कि हम इनको बयान करते हैं। लेकिन ये एक बात ये भी याद रखिए कि ये कैफियत इंसान के अपनी तन्हाई की होती है। हमने अपनी तन्हाई की इन कैफियतों को हमने मार्केट में हम उसको ले आए, पब्लिक में हम उसको ले आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो जिक्र हमें मिलता है अहादीस में वो यही है कि आप तन्हाई में किसी राबी ने आपको देखा, कोई छोटा साहबी अगर आपके साथ कोई थे, जैसे हज़रत अनस हैं, हज़रत अब्दुल्ला हैं, आपके साथ किसी वक्त मौजूद थे तो उन्होंने आपको इस तरह रोते हुए देखा, दुआ करते हुए देखा। या हज़रत आयशा सदीका बयान करती हैं कि इस तरह आप अलैहिस्सलाम पर कैफियत तारी हुई। तो ये ख़ास
हालत की बात है और ख़ास माहौल की और तन्हाई और खलबत की बातें हैं, लेकिन चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलबत की बातों को भी रावियों ने, सहाबा ने, सहाबियात ने बयान किया, वो हमारे सामने आ गई। लेकिन उमूमी तौर पर यह रवैया सरेआम इख्तियार नहीं किया जाता था। ये अल्लाह ताला से एक बंदे का ताल्लुक होता है, एक लगाव होता है कि जिसका इजहार वो अपने खुदा के सामने बैठकर करता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि ये चीज़ें कुछ ज़्यादा फिर इनको मसाजिद में, फिर जामियात में, फिर बड़े बड़े जलसों में और बड़े बड़े मकामात पर फिर ये तरीके इख्तियार किए जाने लगे हैं हमारे यहाँ। तो मेरा ख़्याल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में एतदाल था, तवाज़ुन था। अगर आपको एक तरफ रोने की बात मिलती है, आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते थे, दुआएं करते थे, दूसरी तरफ आपको ये बात भी मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और सहाबियात के साथ आप मज़ाबी फरमाया करते थे, एक तरफ अगर हमें ये बात मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, दूसरी तरफ हमें ये बात भी मिलती है कि आप अलैहिस्सलाम को ख़ास किस्म का खाना पसंद भी था, यानी बकरी की जो दस्ती है वो आप अलैहिस्सलाम यानी उसको पसंद करते थे, आप तनावुल फरमाते थे। इसी तरह सब्ज़ियाँ हैं, जैसे आपको कद्दू आपको बहुत पसंद थे, और इसी तरह दीगर और चीज़ें जैसे जैतून है और ये चीज़ें आप इस्तेमाल फरमाते थे। तो गोया के हमें इस तरह देखना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास में भी बड़ी नफासत रखते थे, सवारी का मामला भी इसी तरह होता था, सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल करते थे। तो मज़हबी आदमी अगर किसी ने बनना है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपका जो अखलाक और किरदार है और आपकी जो शब रोज़ हैं उनको मद्देनज़र एक मज़हबी इंसान को रखनी चाहिए, यानी उसको सिर्फ एक ही पहलू नहीं बल्कि उसको होलिस्टिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखना चाहिए, पूरी ज़िंदगी को देखना चाहिए उसको। बिल्कुल, ये जो तरीक़ाकार हमारे यहाँ इख्तियार कर लिया गया ना, ये बिल्कुल यानी गैर इस्लामी तो है ही बल्कि ये गैर फितरी है। यानी एक इंसान कैसे हर वक्त अपने ऊपर एक ही कैफियत को तारी किए रखे, यानी रोता रहे। अच्छा, कुरान में जो आया फलियदा को कलीलम वलियब को कसीरा, ये असल सूरत तौबा में है और ये अल्लाह सुबहानहु ताला ने काफरों से ये कहा है, यानी अब चूंकि वो अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे, अब उनका अंजाम होना था, तो कुरान पाक ने कहा कि अब इनको चाहिए कि ये ज़्यादा रोएं और कम हंसें, क्योंकि अब ये इन पर अजाब उतरने वाला है या ये अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं या ये अब शिकस्त खुर्दा होने वाले हैं, मغلوب होने वाले हैं। तो अल्लाह सुबहानहु ताला ने तो ये फरमाया, हम वो एक आयत को हम उठाते हैं फिर उसको हम बयान करते हैं, देखो कुरान ये कहता है कि ज़्यादा रोया करो और कम हंसा करो। अच्छा, जो बैठकर इस तरह की तालीमात दे रहे होते हैं लोग, आप देखिए कि उनकी अपनी ज़िंदगियाँ कितनी खुशहाल भी होती हैं, उनका लिबास, उनकी गाड़ी, उनका तर्ज़ ज़िंदगी महंगा तरीन तर्ज ज़िंदगी भी होता है, और फिर ये है कि वो भी हंसते भी हैं, उनकी वीडियोज़ भी हम तक पहुँचती हैं, हम देखते हैं, वो मजाक भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ इस तरह का उनका रवैया और इस तरीके से इन बातों को वो गुलूफ के साथ बयान करते हैं कि लोगों की ज़िंदगियों में फिर एतदाल नहीं रहता, और फिर आम जो शख्स है वो फिर मज़हबी लोगों पर तनकीद करता है कि देखो ये हमें ये बातें सुनाते हैं और ख़ुद बैठे ये हंस रहे थे, ये मजाक कर रहे थे और ये कह के लगा रहे थे। फिर आम लोग इस तरह का एतराज़ करते हैं, तो आम लोगों का एतराज़ भी अपनी जगह ठीक है ना, लेकिन ये है कि मज़हबी लोगों को चाहिए जो मिंबर पे बैठते हैं, जो तकरीर करते हैं, बात करते हैं, वो एतदाल और तवाज़ुन को हमेशा पेश नज़र रखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें होलिस्टिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी शख्सियत को, अम्बिया की बाकी अम्बिया की शख्सियत को देख लें, सहाबा की शख्सियत को देख लें, तो उनको पूरे उनकी लाइफ के हर हर पहलू को हमें देखना चाहिए और फिर जो एक मोतदिल तरीका है उस तरीके से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए, हम दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।